हॉल्टर नेक ब्लाउज, कितना सुंदर ब्लाउज है। यदि ऐसा खूबसूरत ब्लाउज हमें भी सिलाई करना आ जाए तो कितना अच्छा होगा नहीं। ऐसा ब्लाउज सिलकर तैयार करना अब हर किसी के लिए आसान है। सिर्फ यही ब्लाउज नहीं, परंतु कोई भी पैटर्न या डिजाइनर ब्लाउज किसी भी नाप का आप खुद ही बना सकते हो, क्योंकि लिबर्टी इंस्टीट्यूट के दिलीप कारमपुरी सर ने अब डिजाइनर ब्लाउज, कटोरी ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज सभी नापों के तैयार पेपर कटिंग की किताबें तैयार की है। डिजाइनर पंजाबी ड्रेसेस, अनारकली, चूड़ीदार, सलवार सभी नापों के तैयार पेपर कटिंग की किताबें भी तैयार है। उसी आधार पर आप कोई भी ड्रेस, ब्लाउज और अनेक प्रकार के फैशन के ड्रेसेस आप खुद ही तैयार कर सकते हो। और भी कई सारे किताबें जैसे फ्रॉक, शॉर्ट टॉप, स्केचिंग बुक, तैयार नौवारी साड़ियों की भी किताबें तैयार की है। इन सारे कपड़ों के लिए लगने वाले गले के लिए भी अलग से एक तैयार नेक शेप्स की किताब भी रेडी है। और एक किताब है जिसमें जेंट्स पैंट शर्ट के सभी नाप की कटिंग भी रेडी है। 28 से 42 इंच छाती तक की सभी साइज के तैयार पेपर कटिंग की किताबें भी रेडी मिलेंगी। हर एक नाप के ब्लाउज के हाफ कटोरी, वन पीस कटोरी, मद्रास कटोरी, टू पीस कटोरी और नए प्रिंसेस कट की तैयार पेपर कटिंग है। मतलब ब्लाउजेस के तैयार पेपर कटिंग के इस किताब में आपको अलग अलग 40 प्रकार के कटिंग्स तैयार मिलेंगे। ग्राहक की मांग के अनुसार हम छोटे या बड़े गले का नाप भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इन सभी साइजेस की कटिंग को यदि हम मोटे कागज पे या फिर मोटे कपड़े पर कटिंग करके हमेशा के लिए संभाल कर भी रख सकते हैं। अच्छा खासा बड़ा व्यापार या व्यवसाय भी कर सकते हैं। चलिए तो अब हम डिजाइनर ब्लाउज तैयार करते हैं। इस ब्लाउज के लिए हमें नेट, ब्रोकेड और ब्रोकेड के लिए लगने वाला अस्तर, डिजाइनर लेस, कप्स और बाकी सारे हमेशा की तरह मटेरियल लगेंगे। हमेशा की तरह ब्लाउज का नाप लगने वाला है। ब्लाउज की लंबाई, छाती घेर, कमर घेर, बाही, बाह, दंड घेर, आगे और पीछे के गले का नाप लगेगा। हम लिबर्टी के किताब से 34 इंच छाती घेर के साइज के पेपर कटिंग के सहारे कपड़े पर कटिंग करने वाले हैं। आगे पीछे के गले का ब्लाउज तैयार पेपर कटिंग रखा हुआ है। यहाँ पर बैक और फ्रंट फोल्ड करके रखे हुए हैं। ये सारे पेपर कटिंग्स मार्जिन के साथ हैं। नेट के ब्लाउज पीस पर गोल गले का प्रिंसेस कट का ब्लाउज कटिंग कर लिया है। इसी पेपर कटिंग के सहारे हम हॉल्टर नेक के ब्लाउज को हमें दूसरे पेपर पर कटिंग करके लेना है। बैक के हिसाब से ही बैक कट किया हुआ है। सिर्फ पीछे गोल गले के बजाय बड़े वी गले का आकार दिया है। गले के नीचे फैशन के अनुसार दूसरा आकार भी दिया है। फ्रंट पेपर कटिंग के सहारे हम दूसरे पेपर पर हॉल्टर नेक तैयार करने वाले हैं। गला डीप पंचकोनी काटना है। शोल्डर से ऊपर की तरफ 3 इंच ज्यादा लेना है। यहाँ पर हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। मुंडे के पास यही पट्टी हमें दिखाए हुए आकार के अनुसार लेनी है। अंदर का हॉल्टर नेक ब्लाउज अब हमें कपड़े पर कटिंग करना है। आगे पीछे गले का तैयार ब्लाउज कटिंग नेट के कपड़े पर रखा हुआ है। प्रिंसेस के निचले वाले भाग को भी दिखाए गए अनुसार मुंडे के नीचे 1 इंच ज्यादा लेते हुए काटना है। मुंडे की गहराई हम चाहे जितना नीचे ले सकते हैं। हम अंदर का अस्तर काटने वाले हैं। ऊपर के गले का भाग निकाल देना है। बैक ब्रोकेड के लिए कागज का दूसरा भाग रखा गया है, उतना ही अस्तर काट कर लेना है। इसी अनुसार ब्रोकेड के लिए अस्तर दिखेगा। नीले रंग का अस्तर ब्रोकेड पर रखा हुआ है। यहाँ पर फ्रंट और सिर्फ बैक घड़ी पर रखा हुआ है। ब्रोकेड ब्लाउज भी नीले अस्तर इतना कटिंग कर लेना है।
ब्रॉकेट और अस्तर दिखाए गए अनुसार ऊपर से नीचे की ओर जोड़ना है। कमर के पिछले हिस्से को ऊपर की ओर से सिलाई मारकर उलट लेना है। ब्रोकेड को योक से जोड़ लेना है। नेक के फ्रंट का भाग ऊपर से नीचे इस तरीके से जोड़कर हम प्रिंसेस फ्रंट तैयार करेंगे। ब्रोकेड और नेट के लिए तैयार किए गए योक पर अस्तर का योक रखकर नीचे की ओर से सिलाई करना है और योक को उल्टा लेना है। ब्रोकेड का फ्रंट और अस्तर का फ्रंट अलग अलग तैयार कर ले। प्रिंसेस कट जोड़ने के बाद इस तरह से तैयार होंगे। इसके आगे के भाग पे हम कप्स जोड़ने वाले हैं। पेपर कटिंग्स के टक्स पॉइंट की मार्किंग फ्रंट पर बना ले। तैयार कप्स बाजार में सभी जगह मिलते हैं। ये कप्स छाती के साइज अनुसार मिलेंगे। ब्रा की पट्टियां ना दिखे इसलिए हम ब्रा का उपयोग करने के बजाय फ्रंट में कप्स लगाते हैं। कप्स के मध्य पर हमें मार्किंग कर लेना है। कप्स के मध्य भाग पर आगे के हिस्से का मध्य भाग बराबर रख कर पाव इंच की सिलाई कर ले। यहाँ पर ब्रोकेड पे फिर से कप्स जोड़ते हुए दिखाया गया है, किंतु हमें अस्तर पे कप्स नहीं जोड़ने हैं। ब्रोकेड के बाहर के कपड़े पे कप्स जोड़ने हैं। ब्रोकेड और अस्तर के सामने का हिस्सा एक दूसरे पर सीधे बाजू से एक साथ रख कर गले और मुंडे पे सिलाई मार कर फ्रंट उल्टा लेना है। गले और मुंडे को सही तरह से इस्त्री कर ले। दोनों ही कप्स अंदर की तरफ रहेंगे। इस तरह ब्रोकेड का फ्रंट हिस्सा दिखने वाला है। नेट और ब्रोकेड का सामने का हिस्सा नीचे से बराबर रखना है। यहाँ पर सिलाई कर ले। यहाँ पर साइड में नेट दोनों ही तरफ से थोड़ा ऊपर रहेगा। इसी तरह से नेट और ब्रोकेड का सामने का हिस्सा एक साथ रख कर साइड सिलाई मार कर फ्रंट तैयार कर लेना है। योक के ऊपरी भाग पर पाइपिंग कर ले। ये तैयार हुआ योक आगे की ओर रख कर एक सिलाई कर ले। योक जोड़ते समय सेंटर पे बराबर आना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से आगे का हिस्सा तैयार होगा। नेट से 3 इंच ज्यादा ऊपर की तरफ ब्रोकेड पे मार्किंग करनी है। दोनों ही पट्टियां अंदर की ओर से एक साथ लेकर जोड़ ले। यहाँ पर दिखाते हुए बाहरी भाग एक साथ लिया हुआ है, मगर यहाँ पर शोल्डर पट्टियां अंदर से ही सिलाई मारकर जोड़ लेना है। इस तरह ये ब्रोकेड का गला तैयार होगा। इस गले पे हम डेकोरेटिव लेस लगाने वाले हैं। नेट बाजू में हटाकर लेस लगाना है। लेस लगाते समय ऊपर की ओर से सिलाई करनी है। तैयार हुआ आगे का गला इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर दिखाए अनुसार अस्तर, ब्रोकेड और नेट तीनों ही नीचे बॉटम पे इकट्ठा है। बाद में अस्तर उल्टे तरफ से इकट्ठा करके बॉटम में सिलाई कर लीजिए।
इस भाग को दिखाए अनुसार उल्टा लीजिए। इस तरह से नीले रंग के अस्तर का नोक निचले भाग में दिखाई देगा। इस भाग को आप फिर से इस्त्री कर ले। अस्तर का भाग पलटी कर लेना है। ब्रोकेड का भाग नेट के अंदर से इस तरह दिखाई देगा। बैक में नेट का हिस्सा बाजू पर हटाकर ब्रोकेड पर लेस लगा ले। इस तरह से बैक दिखाई देगा। लेस लगाने के बाद शोल्डर जोड़ ले। आगे के भाग पे पीछे का भाग उल्टे तरफ से रख कर शोल्डर जोड़ ले। लेस लगाते वक्त आर्म होल से शुरुआत करें। लेस की चौड़ाई हॉल्टर नेक की पट्टी की चौड़ाई जितनी ही 1.5 इंच की ही होनी चाहिए, तभी वो लेस सुंदर दिखेगी। अब हम नेट के आगे और पीछे के गले पर ब्रोकेड के रिबन लगाने वाले हैं। रिबन करते समय 1.25 इंच की पट्टियां काट कर एक दूसरे को अखंड जोड़ना है। पट्टियों को हमेशा क्रॉस में जोड़े। पट्टियों को एक बाजू से मोड़ कर सिलाई कर ले। ये डबल पट्टी गले को अंदर की तरफ 1/2 इंच सिलाई मार कर जोड़ ले। यहाँ पर वी गले के पास रिबन को प्लीट दी हुई है। इस तरह से तैयार रिबन 1/2 इंच पूरे गले के बाहरी बाजू में आएगी। साइड सिलते समय बाही को नीचे की तरफ से रख के बाही लगा के पूरी साइड सिल ले। जब हम बाही लगा रहे होते हैं, तब हमें इस बात का खास ध्यान लेना है कि बाही बिल्कुल खींची नहीं जानी चाहिए। ब्लाउज के मुंडे का हिस्सा थोड़ा सा खींच कर जोड़े, इससे मुंडे में थोड़ी सी भी चुना नहीं आएगी। ब्लाउज के दाहिने हिस्से को साइड से फिटिंग की सिलाई ले ले और बाईने ओर से सिर्फ बाही में सिलाई कर ले। दूसरे साइड पर सिर्फ बाही की फिटिंग करके सिल ले। मुंडे के नीचे साइड चेन लगाने के लिए खुला रखिए। चेन अच्छी तरह से सिलाई करके लगा ले। दूसरे खुले साइड के मार्जिन की भी पट्टी अंदर की तरफ से मोड़कर सिल ले। चेन पर एक साइड की बाजू ऊपर रखे और एक दाब सिलाई मार के एक साइड की चेन जोड़ ले। इस तरह से हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार हो जाता है। हमें इस डिजाइनर ब्लाउज का ठीक तरह से निरीक्षण करना है। सिंपल ब्लाउज में और इस ब्लाउज में क्या फर्क है ये जानना है। देखिए, इस ब्लाउज से अगर हम नेट का ब्लाउज अलग करके देख ले तो ये ब्लाउज सिर्फ आगे पीछे गोल गले का सादा ही ब्लाउज है। इसी अंतर के फर्क को ध्यान से देखने को ही निरीक्षण कहते हैं। इस तरह से बारीकी से देखना हमें सीखना है और हम यही सिखाते हैं। इसमें सिर्फ डिजाइनर नीला ब्लाउज देखिए और आप हॉल्टर नेक डिजाइनर ब्लाउज आप अलग से भी बना सकते हैं। हमारे लिए ये सब संभव हुआ लिबर्टी के तैयार पेपर कटिंग की किताब की वजह से। आप भी इन किताबों की तैयार पेपर कटिंग की सहायता से आसानी से डिजाइनर बन सकते हैं।